टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट 12th स्टैंडर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टडी बिफोर स्टार्टिंग टू द चैप्टर फर्स्ट विल रिवाइज 11th स्टैंडर्ड वॉट वी आर स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स. वॉट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. वाई इट इज सोशल साइंस? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन बिहेवियर एंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग इज अनप्रिडिक्टेबल. आपको भी पता है पर्सन के बिहेवियर को हम लोग प्रिडिक्ट कर नहीं सकते. इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज वॉट? सोशल साइंस. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज वॉट? एडम स्मिथ. सो नाउ देर आर टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो देर आर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स? टू पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स वॉट? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक इन दिस वीडियो. सो यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक. माइक्रो होता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री और पर्टिकुलर कमोडिटी. जैसे हम लोग कुछ इंडिविजुअलिज्म में स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट को डिटेल में स्टडी करना, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. द इंडिविजुअल यूनिट दैट इज इंडिविजुअल डिमांड वी ऑट टू स्टडी. एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू स्टडी अ डिमांड ऑफ मिस्टर रमेश. इट विल कम अंडर इंडिविजुअल पर्सन अ मिस्टर रमेश. ही इज़ अ कंज्यूमर. सो डिमांड ऑफ मिस्टर रमेश विल कम अंडर विच इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर कैनेट बॉल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटी. मॉरिस जॉब हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. लाइक अ स्लाइड, इफ वॉट वी आर सीइंग इन माइक्रोस्कोप, सेम वे माइक्रो इकोनॉमिक इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी. मीन्स वी आर टू डिस्ट्रीब्यूट इन टू डिफरेंट पीसेज एंड देन वी आर टू स्टडी ईच पार्ट इन डिटेल. सो माइक्रो इकोनॉमिक इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स अ स्मॉल यूनिट. सो माइक्रो इकोनॉमिक डील विथ प्राइस थ्योरी. प्राइस थ्योरी रिफर्स टू फैक्टर प्राइजिंग, प्रोडक्ट प्राइजिंग. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द प्राइस थ्योरी एंड स्टडी अ इंडिविजुअल यूनिट इन डिटेल. दैट इज एग्जाम्पल अ इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को डिटेल में स्टडी करता है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. सो हमें हमारे पास दो टाइप्स के इकोनॉमिक्स होते हैं. मैंने पहले भी आपको बोला है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल यूनिट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स लार्ज यूनिट. सो माइक्रो डील्स विद स्मॉल पार्ट इंडिविजुअल इन नेचर एंड मैक्रो डील्स विद द होल इकोनॉमी. जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इनकम. अ नेशनल इनकम इज इनकम ऑफ ऑल पीपल इन अ कंट्री. इट इज़ नॉट अ वन इंडिविजुअल इनकम. इट अ एग्रीगेट इनकम विच इज एक्सप्रेस इन मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो मैक्रो कम्स अंडर अ एग्रीगेट. दैट इज टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई. That is aggregate price level. So it comes under macro, means the study of whole economy. But micro deals with only a study of individual unit. So microeconomic is a base for macroeconomic. So अगर मैंने आपको बोला study of one individual unit, that is example, if we study a particular tree in a forest, that particular tree will be studied in detail. It is micro. But if we study a total forest, that is पूरा jungle को study किया, पूरे दैट इज फुल जंगल स्टडीड, सो इट विल कम्स अंडर वॉट? मैक्रो थ्योरी ऑफ स्टडी, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो इफ वी सी टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन टू हाउ मेनी पार्ट्स? थ्री पार्ट्स. फर्स्ट कम्स अंडर प्रोडक्ट प्राइजिंग, नेक्स्ट इज फैक्टर प्राइजिंग एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वेलफेयर. सो फर्स्ट कम्स अंडर वॉट? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइजिंग. द प्रोडक्ट प्राइजिंग कंसिस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ demand side and theory of supply side, that is of producer's behavior and consumer behavior. Demand refers to consumer behavior and supply refers to producer's behavior. So it comes under product pricing. Next is theory of factor pricing. Factor pricing consists of four factors of production. Four factors hote apne production ke: land, labor, capital and entrepreneur. So income as a reward is given to them. The counting of the income as a reward, it comes under a factor pricing. Rent, wages, interest and profit. And third one is theory of economic welfare. It comes under a economic efficiency. So economic efficiency means overall optimum utilization of resources and reduce the wastage. So economic
थ्योरी दैट इज इकोनॉमिक वेलफेयर. वेलफेयर कब होगा कंट्री का, जब थ्री कंडीशन सेटिस्फाई होते. कौन से थ्री कंडीशन, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, इफिशियंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी इन प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन. दैट इज अ मेन पार्ट. दैट इज प्रोडक्शन रेफर्स टू सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू. कंजम्पशन रेफर्स टू कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज अ डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू. एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स properly distributing the resources and reduces the wastage. So this all three parts cover in the subject matter of economics. So अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करा. नेक्स्ट वीडियोज मैं जब अपलोड करूँगी तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. टिल दैट टाइम्स वर्क हार्ड.